तो दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि लो और हाई को कैसे मार्क करते हैं। और दोस्तों ये एकदम इजी वीडियो रहने वाली, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ढूंढना है, जैसे कि अगर प्रीवियस देखा हम देखे ग्राफ, तो प्रीवियस देखा ग्राफ ये है। यहाँ पे दोस्तों इस वाले जगह से ना, ये देखो यहाँ इस वाले जगह से मार्केट स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों गया कहाँ तक है मार्केट? दोस्तों मार्केट गया है यहाँ तक, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो कि इसमें कि आज का ये ग्राफ है, तो आज दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ऊपर गया और दोस्तों इस तरीके का मूव करके यहाँ पे जो है क्लोज हो गया। तो इतने दूर के ग्राफ में ही मैं आपको बताऊँगा कि लो और हाई अगर मार्क करना होता, जैसे कि कल के लिए अगर आपको मार्क करना है, तो किस हिसाब से किया जाता है, किस बेस पर किया जाता है। दो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले देखो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन है। अब देखो ये 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले आपको देखना है। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 बार जो है मार्केट टच हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले जगह पे ना 46,800 का लेवल है। यहाँ पे दोस्तों एक मार्किंग आपको कर लेनी है, ये देखो यहाँ पे एक मार्किंग कर ले। अब चाहे आप जोन में करो या फिर दोस्तों आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, आपको बस यहाँ पे एक मतलब कि एक जोन को यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे एक जोन है, ठीक है। अब दोस्तों देखो कि यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था, मतलब पूरे दिन में सबसे लोएस्ट जगह कौन सा है, तो सबसे लोएस्ट जगह दोस्तों मुझे ये वाला लगता है। देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ स्टार्ट हुआ था वही सबसे ज़्यादा लोएस्ट जगह है आज के लिए। तो यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखो कि यहाँ पे सबसे हाई आज मार्केट कहाँ बनाया है, तो सबसे हाई यहाँ पे बनाया है, तो हम यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो इतनी काम हो गई। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेंड में जा रहा था या डाउन ट्रेंड में जा रहा था। तो अब उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गया, फिर वहाँ से स्विंग लेके नीचे आया, फिर वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो लेकिन दोस्तों पहले वाला प्रीवियस वाले जगह से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, इस बार मार्केट। फिर दोस्तों थोड़ा मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर वापस से जो है प्रीवियस टाइम से अभी थोड़ा और ऊपर आया है। उसके बाद वापस नीचे आया फिर ऊपर गया, और फिर प्रीवियस टाइम से हम देखें ना, तो वापस से जो है ऊपर आया है इस वाले जगह पे। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसको बोल देंगे हम दोस्तों अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, अगर हम आज के दिन देखें तो। और वैसे ही दोस्तों अप ट्रेंड में ही जा रहा है, प्रीवियस डे से ऊपर मार्केट गया है, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और दोस्तों इसको ये बोलेंगे कि ये जो जोन में जा रहा है ना, वो ये जोन जो हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ पे हायर हाई मतलब प्रीवियस हाई से फिर हाई, जो हायर था उसके फिर से हाई, मतलब धीरे धीरे हायर बनाते हुए जा रहा है। और दोस्तों नीचे से लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, और ये एक जोन देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एक जोन की तरह ये दिख रहा होगा। एक मिनट में इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो ये एक जोन की तरह दिख रहा होगा, मतलब ये जोन भी कुछ ना कुछ सो ही कर रहा है। तो अब दोस्तों देखो कि इस वाले जगह पे भी आपको जो है थोड़ा सा ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये वाला लूँगा ट्रेंड लाइन को। अब ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपली एक टैप करूँगा और ये देखो ये बन गया एक जोन, ठीक है। हाँ चलो ये हो गया, और वापस से जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेता हूँ। अरे यार इसको थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पे इस वाले जगह से, चलो हाँ। तो ये दोस्तों ये बन के तैयार हो चुका है हमारा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ रहा है, यहाँ से लोअर लो बनाते हुए, ठीक है, मतलब प्रीवियस लो से फिर ऊपर लो बन रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये एक अप ट्रेंड शो हो रहा है, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये आपका देखो ये लाइन बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों आपको इसी चीज़ को क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओके, हमारा सही जगह पे, ये देखो इस वाले जगह पे जो है यहाँ पे 2 बार 3 बार जो है सपोर्ट लिया था, ओके, ये भी सही जगह पे, और हमारा जो हाई है ना वो भी एकदम सही जगह पे, परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अगर ट्रेड लेना है और या कल के लिए प्लान कर रहे हो, तो एक बेसिक बता रहा हूँ, बाकी इस पर एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप बोलो तो। बाकी बहुत सारे वीडियोस आपको एनालिसिस के ना, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, हाउ टू यूज़ टूल्स, ये सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको वॉच कर सकते हो चाहो तो। अब दोस्तों देखो कि इस वाले जगह पर क्या है कि मार्केट एक ट्रेंड में आ रहा था। अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ ना, जैसे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पर एक जो सॉफ्ट एंट्री बनाई जा सकती थी, और स्टॉप लॉस क्या रखे, तो स्टॉप लॉस यही प्रीवियस कैंडल जो रेड कलर का उसके हाई पे, मतलब इस जोन के सपोर्ट के ऊपर जो कैंडल ओपन था ना, वहाँ पर आपको एकदम रखना था हाई पे स्टॉप लॉस, और एकदम शॉर्ट की एंट्री आते ना, तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता। ये थोड़ा बहुत रिस्की है मानता हूं, लेकिन यार मिल जाता, ठीक है। अब दोस्तों देखो कि आगे करना क्या था, जब दोस्तों मार्केट यहां पे आ ही चुका है,
ठीक है, ये वाले लेवल पर टच कर ही चुका जो सपोर्ट था। अब दोस्तों इस वाले सपोर्ट को हमको इंपॉर्टेंस क्यों देना, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले भी एक चीज़ हो चुका है, ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे भी हमें जो है बहुत ज़्यादा चांस प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके। तो गए वहाँ पे, देखो कि गया भी है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो कि इस वाले जगह पे एंट्री है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ ना, तो जब ऊपर ये क्लोज हो गया, जब बेयरिश कलर का कैंडलस्टिक ये दिखा, सॉरी बुलिश कैंडलस्टिक ये दिखा दिया, तो आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए ये वाला कैंडलस्टिक को देखना चाहिए था। ये वाला कैंडलस्टिक जैसे ही बनता है ना, तो आपको तुरंत एंट्री मारनी चाहिए थी इस वाले जगह पे। और यहाँ पे भी अगर आप एंट्री बनाते ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट कितना तगड़ा हुआ निकल के आता, यहाँ तक प्रॉफिट निकल के आता। अब ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा, 15 मिनट का ग्राफ है, 46,900, ठीक है, समझ लो 47,000 का ये प्राइस चल रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों देखो कि 47,126 का यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्लोजिंग मिले, तो इतना अच्छा प्रॉफिट भी ना, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, ये भी इनफ है, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स स्कैल्पर्स है, जो बिगिनर्स सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप 5,000 से 700-800 रुपये ईजिली निकाल पाओगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये चीज़ मालूम पड़ गया होगा कि लाइंस को, लेवल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये एकदम बेसिक वीडियो था और सबसे इजी लैंग्वेज में समझाया हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पर एडवांस वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा, और वैसे तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको वॉच कर सकते हैं।